गाडरवारा में जैन समाज के द्वारा एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। समित शिखर को पर्यटन स्थल झारखंड सरकार ने घोषित कर दिया। इसी के विरोध में भारत देश के जैन बंधुओं के द्वारा अपने सिर को मुंडन करवाकर अनोखा विरोध प्रदर्शन पूरे भारत देश में किया जा रहा है। जैन समाज के युवा ऊर्जावान तेजस्वी वक्ता अमन जैन ने सरकार को लताड़ते हुए चेतावनी देते हुए कहा, हमारे तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन स्थल में बदलने की चेष्टा की जा रही है। जब हम सब अपना सिर का मुंडन करवा सकते हैं, हमारे पवित्र धरोहर पर बात आए तो हमारी संस्कृति पर बात आ जाए, हमारे गुरुओं पर बात आ जाए, हम किसी भी सरकार का मुंडन कर सकते हैं। हम अहिंसा के पुजारी हैं, जियो और जीने दो इस सिद्धांत पर चलने वाले हम सभी लोग हैं। जैन समाज के अजय जैन ने अपने सिर का मुंडन करवाकर सरकार को संदेश दिया कि जो भी गलत निर्णय लिया गया है, हम अपना सिर का मुंडन करवाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम अपने पवित्र तीर्थ क्षेत्र को नहीं बचा सके तो हमारा जीवन का जीना बिल्कुल सार्थक नहीं है। अपने सिर पर मुंडन करवाने वालों में से अजय जैन, अंकुर सिंधई, प्रेमचंद जैन एवं अनिल कुमार जैन, सरकार के खिलाफ अपने सिर के बाल देकर एक अनोखा प्रदर्शन इनके द्वारा किया गया। देखिए बंधुओं, आज हम सभी यहाँ पर अहिंसक का परिचय देने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज श्री सम्मेलन शिखर के रूप में हमारी धरोहर के साथ, हमारी संस्कृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, हम उसके विरुद्ध में आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो आज हमारे तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन स्थल में बदलने का चेष्टा की जा रही है, हम आज उसके विरोध में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जिस प्रकार से हम अहिंसक रूप से अपना मुंडन करा सकते हैं, उसी प्रकार से अगर हमारी धरोहर पर बात आ जाए, हमारी संस्कृति पर बात आ जाए, हमारे तीर्थंकरों पर बात आ जाए और अगर हमारे गुरुओं पर बात आ जाए, तो हम किसी भी सरकार का भी मुंडन कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम अहिंसक के पुजारी हैं, जिस प्रकार से हम अहिंसक को सबसे प्रथम रखते हैं, जिस प्रकार से हम जियो और जीने दो का नारा लगाते हैं, उसी प्रकार से मैं पूरे सरकार को यह बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम जी रहे हैं और सभी प्राणियों को जीने की प्रेरणा दे रहे हैं, उसी प्रकार से आप भी समझ जाइए हमारे तीर्थंकरों की भूमि को, हमारी संस्कृति को, हमारी धरोहर को हमारे हाथों में दे दीजिए, वरना ऐसा ना हो कि कहीं आप अपनी सरकार से भी हाथ खो दें। आपसे पुनः निवेदन है कि ऐसा कोई कृत्य आप कार्य न करें जिसके कारण आपकी सरकार ही हाथ में न रहे, ऐसा आपको बाद में सोचना ना पड़े कि काश हम समय रहते ऐसा कोई निर्णय ले लेते कि जिससे हमारी संस्कृति भी बच जाती, हमारे जैन भाइयों का सम्मान भी बच जाता, हमारे तीर्थंकर की भूमि भी बच जाती और हमारी सरकार भी बच जाती। पुनः बारंबार निवेदन है कि अपने आदेश को वापस लें और हमारी तीर्थ क्षेत्र को केवल तीर्थ क्षेत्र ही रहने दें, उसे पर्यटन स्थल में बदलने की चेष्टा ना करें। सम्मेलन शिखर हमारा है। आज केंद्र सरकार और झारखंड सरकार द्वारा हमारे हमारे तीर्थ सम्मेलन शिखर जी पर जो उन लोगों ने पर्यटन क्षेत्र घोषित किया है, वो सरासर गलत किया है। इसलिए हम उसके विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के साथ साथ आज हम सब मुंडन करवा रहे हैं कि हमारे तीर्थ क्षेत्र को किसी भी तरीके से बचा सके। यदि आज हम अपने पवित्र तीर्थ क्षेत्र को नहीं बचा सके तो फिर हमारा जीना बिल्कुल दूभर है। जैसे आज हम अपना मुंडन करा रहे हैं, ऐसा है हम सरकार का भी मुंडन करा सकते हैं। इसलिए हम अपने सम्मेलन शिखर जी के लिए, जैसे अपने आज हमने बालों का त्याग किया है, ऐसे हम अपने प्राणों का भी त्याग कर सकते हैं। सम्मेलन शिखर हमारा है, सम्मेलन शिखर हमारा है। बोले कि भैया अपन सम्मेलन शिखर के लिए बालों का त्याग कर सकते हैं, मुंडन करा सकते हैं। इसमें हमारे भाई अंकुश सिंघई जी, दूसरे मैं खुद स्वयं अजय कुमार जैन डोई वाले, तीसरे श्री हमारे अनिल कुमार जी जो नगर पालिका में हैं, चौथे श्री प्रेमचंद जी मामा लखनऊ वाले हैं जिनका सबसे प्रथम नाम आया था, उनका नाम पहले भी जुड़ चुका है। जब हम लोगों ने सब उनका नाम देखा तो हम लोगों की भी श्रद्धा हुई, नहीं हम अपने सम्मेलन शिखर जी के लिए सब कुछ कर सकते हैं, बाल क्या अपने प्राण भी दे सकते हैं। सम्मेलन शिखर हमारा है। गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।